न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा थाना पुलिस ने व्यवसायियों से रंगदारी मांगने के आरोपी को 72 घंटे के भीतर कोलकाता से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेज दिया है। गिरफ्त में आए युवक का नाम बंटी गुहा है। पुलिस ने युवक के पास से 2 फोन भी बरामद किया है। इसकी जानकारी देते हुए थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने बताया कि बीते 5 जुलाई को वादी अमित चावला द्वारा एक लिखित शिकायत दिया गया था कि मोबाइल नंबर 9155693181 द्वारा सोनू सिंह के नाम से रंगदारी की मांग की गई है। बताया कि इनके अन्य पड़ोसी दुकानदारों ने मोहन प्रसाद एवं विवेक झा से भी रंगदारी मांगी गई थी। उन्होंने इसके लिखित आवेदन के आधार पर मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश के क्रम में पता चला कि उक्त मोबाइल धारा कोलकाता में है, जिसकी सूचना वरीय पुलिस पदाधिकारी को देते हुए एक टीम को कोलकाता भेजा गया। टीम ने 72 घंटे के भीतर बंटी गुहा नामक युवक को, जो परसूडी थाना अंतर्गत गोलपहाड़ी का रहने वाला है, गिरफ्तार कर शहर लाया गया। पूछताछ के क्रम में उसने बताया कि शहर से करीब 25 दुकानदारों एवं व्यवसायियों को फोन कर सोनू सिंह के नाम से रंगदारी की मांग की गई थी। बताया गया कि आरोपी ने सीतारामगढ़ थाना एवं जुगसराई थाना क्षेत्र के कुछ दुकानदारों से रंगदारी की रकम भी वसूल की है। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी बंटी गुहा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिनांक 5/7/2023 को बजरंग चौक के रहने वाले अमित चावला, जिनका जतिन स्टोर नामक ग्रोसरी का दुकान है, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन समर्पित किया गया, जिसमें एक मोबाइल नंबर 9155 और लास्ट में 3161 करके है, उसके द्वारा जो है सभी को फ़ोन करके पैसे की मांग की जा रही थी और नहीं देने पर जो है अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही थी। और उनके द्वारा बताया जा रहा था कि मैं सोनू सिंह बोल रहा हूँ, मैं जेल से बोल रहा हूँ, मैंने उपेंद्र सिंह हत्याकांड को अंजाम दिया है, अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा अंजाम भी उस तरह का होगा। और इस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड दर्ज किए, वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया और पता चला कि जमशेदपुर के अन्य थानों में भी जो है इस तरह के धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, जिस संबंध में विभिन्न थानों में कांड दर्ज किया गया। एक वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार एक टीम का गठन कर हम लोग को सूचना मिली कि जो मोबाइल धारक हैं वो कोलकाता में रहते हैं, उनका नाम बंटी गुहा है। हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए कोलकाता गए और उसको विधिवत गिरफ्तार कर थाने लाए। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम बंटी गुहा, पिता स्वर्गीय प्रदीप गुहा, जो परसूडी के रहने वाले हैं और वर्तमान में ये कुछ दिन पहले ही 2 महीने पहले जेल से छूटे थे और जेल से छूटने के बाद इस तरह के धमकी वाले कॉल्स कर रहे थे। कुछ लोगों के द्वारा पैसे भी दिए गए थे। इसमें हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर अनुसंधान कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेंगे।